गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज सौरभ। वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल ट्रैवल। आई होप यू ऑल आर डूइंग। ओ ये कौन है पापा? ओ ये पापा। हां तो गाइस, इट्स अ न्यू वीक एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो भाई आज का वीडियो थोड़ा सा लेट से स्टार्ट करें। अभी टाइम हो रहा है 8:30 ऑलमोस्ट। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना साइकिल को थोड़ा सा ठीक वीक करवाने के लिए। भाई 6 महीने के बाद मुझे एक बार सर्विसिंग करवाना था, वो नहीं हो पाया, तो सोचा चलो आज चलते और आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। ना पापा, आपको जाना है आपको? कौन है ये? छोटा तीतान, छोटा ब्लॉगर। तो हाँ, अभी चलते हैं डिकैथलॉन। वो शायद 9 बजे तक ओपन होता है। तो हिंडनूर पे है मेरे घर के सामने एक, और एक है एयरपोर्ट रोड पे। तो एयरपोर्ट रोड वाला थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो चलते हैं हिंडनूर रोड पे। ना पापा, आपको जाना है आपको? तो हाँ चलिए। चलिए शुरू करते हैं भाई। ये रहा मैडम जी भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं जाना। टाटा। हाँ उम्मीद है वीडियो भी आ रहा है और साउंड भी ठीक ठाक आ रहा है। ओ भाई, बेंगलोर में इतना गर्मी भर गया है ना। बच्चे जा रहे हैं स्कूल और मैं चला साइकिल ठीक करवाने। हाँ बाप रे बाप, इतना गर्मी बढ़ गया है ना। लास्ट ईयर भी ज़्यादा बारिश वारिश कुछ नहीं हुआ, उस चक्कर में गर्मी कम नहीं हुआ। अभी सुबह सुबह इतना ज़्यादा गर्मी है ना घर के अंदर। एक्चुअली मेरा घर भी ऐसा है, पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक एकदम पूरा सनलाइट उसी में गिरता है ना। तो दिन में तो चलो, लेकिन रात को जब पूरा दरवाज़ा सब बंद हो जाता है, उसके बाद भाई साहब सब भट्टी के जैसा गर्म हो जाता है घर। हो कोई ना, चलते हैं। उम्मीद है साउंड ठीक ठाक आ रहा होगा। ओ अंकल प्लीज। हाँ उम्मीद है साउंड वाउंड सब ठीक से आ रहा होगा, साउंड का ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा होगा। चलो बच्चे लोग स्कूल चलो। चलो पूरा एक वीक का एक एक दिन काटना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे सैटरडे संडे आता है वो झट करके गुजर जाता है भाई, उसका लॉजिक पता नहीं चल रहा है। हनुमान जी। हाँ तो जैसे बोल रहा था, मंडे से फ्राइडे तक एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है, सैटरडे संडे आता है तो ऐसे छुक करके निकल जाता है। जैसे आज का दिन मैं साइकिल ठीक करवाने जा रहा हूँ। क्या हुआ? एक्सीडेंट। हाँ आज का दिन वैसे साइकिल ठीक करवा के आऊँगा,
उतने में आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। कल तो संडे है, कल फिर से कहीं पे निकलना है वीडियो करने के लिए, वो करके आऊँगा। 12-1 बज जाएगा, नहा के खाना वाना खाऊँगा तो सुबह का जगा हुआ हूँ। सुबह का जगा हुआ रहता हूँ तो थोड़ा सा ऐसे आग बंद करो तो ख़त्म दिन भाई। सैटरडे संडे इतना जल्दी की ख़त्म होता है। सैटरडे है तो रोड इतना खाली खाली लग रहा है ना, मान्यता के सामने भी एकदम पूरा खाली खाली ही है भाई। वीकडेज पे यहाँ पे इस टाइम पे तो मौत लगी रहती है। हाँ मज़ा आता है, खाली रोड हो, गाड़ी लेके भी निकलने का मन करता है। साइड से निकलो। निकले हम। ओ भाई, बेंगलोर में इतना पानी का किल्लत चल रहा है और देखो, मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग। शे मैन, वैसे पानी वेस्ट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि नहाना भी बंद कर देना चाहिए, 4 दिन में एक बार नहाओ। मैं निकल चलता हूँ। दीदी प्लीज़ मुझे जाने दो। दीदी आगे जाएगी। मैं निकल चलता हूँ। हो गया। ओह हाँ, तो जैसे बोल रहा था, बेंगलोर में पानी का इतना किल्लत चल रहा है, गवर्नमेंट को तो रूल निकालना चाहिए कि 4 दिन में एक बार नहाओ और पानी बचाओ। और लोग यहाँ पे इतने रोड धुल रहे हैं भाई, क्या कर सकते, कॉमन सेंस ना हो तो। मैं तो सोच रहा हूँ भाई, सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर में पानी का किल्लत, इसलिए 4 दिन में एक बार नहाऊंगा अभी, जब तक बारिश ना हो तो। प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट, और एक कमेंट करके बता दो मेरा प्लेज ठीक है कि नहीं, 4 दिन में एक बार, या फिर उसको और बढ़ा दो, हफ्ते में एक बार। ओ भाई, आ गया हेनोर रोड में, अभी चलते हैं। ओ धीरे धीरे आओ, पता नहीं वॉइस ठीक से आ रहा है कि नहीं, गाड़ी वाड़ी का भी साउंड है, विंड का भी साउंड है। अगर वॉइस ठीक से आ गया तो भाई लाइफ जिंगल वाला। साइकिल लेके हो गया मेरा 8 मंथ्स, 6 मंथ के बाद एक्चुअली साइकिल का एक बार चेक करवाने का ज़रूरत था। भाई आपका भाई इतना बिजी है, क्या बोले, बहुत बिजी है, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज मैंने डेडिकेटेडली सैटरडे को चुना और आज लेके चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। ऑपरेशन चाहिए या फिर ऐसे ही? अगर ऑपरेशन चाहिए रहेगा तो भाई 1-2 घंटा तो उधर ही चला जाएगा, देखते हैं। शायद उतना ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं रहेगा, एक ब्रेक शो चेंज करवाना होगा या फिर कुछ और। बाकी वैसे साइकिल में तो कुछ प्रॉब्लम, हाँ और एक है, जब ऐसे लो गियर में चलाते हैं उस टाइम पे खट खट आवाज़ होता है, तो एक बार वो दिखवा लेना है। ये दोनों चीज़ों, मेरे साइकिल का घंटी उतना तेज तो है नहीं, मुझे शायद मुँह से ही बोलना पड़ेगा, टिंग 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 टिंग, साइड दे दो। ओ बाप रे, देखो रोड कितना खुला है आज रोड। ओ
सिग्नल भी अपने को खुला ही मिल जाएगा। 14 है, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ये चला मैं। जहाँ पे भाई आज से जब हम लोग पहले बार आए थे, एक्चुअली यहाँ पे मेरे एक दोस्त रहती थी, अभी वो MDS करने के लिए बाहर गई हुई है। उसका भी घर हिंडूर में था। तो आज से मतलब 5-6 साल पहले जब इस साइड से आते थे, यहाँ पे एकदम पूरा जंगल रहता था। जंगल मतलब ना भी जंगल नहीं, बठा इतने सारे बिल्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं दिखाई देते थे। लेकिन भाई अभी जहाँ जगह मिल रहा है पूरा बिल्डिंग विल्डिंग खींच के एकदम। नारियल पानी जाने के टाइम पे पीना पड़ेगा भाई, नहीं तो डिहाइड्रेशन से हालत खराब हो जाएगा। जब हम लोग पहली बार बैंगलोर आए थे, जिस दिन भी बैंगलोर का टेम्परेचर 30 के अबव हुआ, उस दिन इवनिंग को पक्का बारिश। मतलब 4 बजे तो बारिश होता ही होता था। और हम लोग कॉलेज के बैग में एक अम्ब्रेला ज़रूर रखते थे कि दिन का टेम्परेचर अगर 30 के ऊपर हुआ तो उस दिन बारिश तो मतलब कोई भी बोल सकता था। लेकिन आजकल भाई, लास्ट ईयर तो इतना गंदा कटा है अपना, बारिश ही नहीं हुआ। और अभी मार्च में ही टेम्परेचर 30 क्रॉस कर रहा है। सर चलता रहा अप्रैल मई तक तो यहाँ पे गर्मी रहता है, उसके बाद धीरे धीरे बारिश हो जाता है। जब हम लोग पहले बार आए थे उस टाइम पे 1 महीने का गर्मी होता था, उसके बाद फिर से बारिश। चीतन जहाँ पे सोता है उस जगह पे एकदम पूरा ऐसे सब पसीना होता है बेचारे को। वो जगह एकदम पूरा भीगा हुआ रहता है, सुबह उठ के उसके गर्दन वर्दन के जगह पे मतलब चद्दर वद्दर एकदम पूरा गीला हो जाता है। और सुबह उठ के उसको पानी दो तो इतना मस्ती से पीता है वो बेचारे को, इतना हाँ। 10 साल में भाई कितना चेंज हो गया। टेम्परेचर अभी 30 के ऊपर ही रहता है, बारिश का तो भाई नामो निशान कुछ है नहीं। पता नहीं कब बारिश होगा। और थोड़ा बहुत कल एक्चुअली 4 बजे की तरफ एकदम आसमान में एकदम पूरा ऐसे बादल वादल छा गया था, तो मैं तो खुश हो गया, एकदम मोरनी बन गया था मैं, मोर बन गया था, मोरनी नहीं मोर बन गया था कि आज बारिश होगा, आज नाचेंगे। लेकिन भाई अरमानों में पानी फेर दिया और पानी ही नहीं गिरा आसमान से, फिर से धूप जग गया। 4 बजे से पूरा क्लाउड था, 5 बजे की तरफ उसको फिर से धूप आ गया।
भाई को साइकिल देके हो गया, भाई को थोड़ा सा दिक्कत है, कोई ना, बोले 11 तक साइकिल रेडी हो जाएगा। भाई अभी हो रहा है 9:30, डेढ़ घंटा अपने को टाइम निकालना है इधर, पता नहीं कैसे निकालेंगे, बट हाँ देखते हैं, कुछ अगर इंटरेस्टिंग मिले तो अपने को लेने के लिए ना। साइकिल फाइनली उसको दे दिया है और अंदर थोड़ा बहुत घूम लिया है। भाई टाइम ही नहीं पास हो रहा है, 9:30 को मैंने साइकिल दिया है, अभी बस 9:45 हुआ है, इतना टाइम अंदर घूम चुका हूँ। और ये सब जगह में ना घूमना मुझे बहुत बेकार लगता है, क्योंकि जो भी चीज़ देखो वही लगता है कि हाँ ये तो अच्छा है, ये तो ले सकते। हाँ ये देखो, मुझे यहाँ पे अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है, किसान जब बड़ा होगा तो मेरा भी हाल इन लोगों के जैसे ही होगा, लेके आके ऐसे धूप पे बैठे रहो और भाई स्केटिंग करो, स्केटिंग करो। मेरे जो भाई का बेटा है उसका भी सेम ही है, लेकिन उन लोगों का अच्छा क्या है, उन लोगों की सोसाइटी के नीचे ही आता है ना पूरा स्केटिंग, डांस, और उसके बाद कल क्या सुन रहा था, जिमनास्टिक, वो सब उनके सोसाइटी के नीचे ही आता है। तो हाँ मेरे बुआ उनको नीचे लेके आती है और बस लोग वहीं पे कर लेते हैं, लेकिन तीतान को तो शायद मुझे ऐसे सब जगह पे लाना पड़ेगा, देते यार बहुत टाइम है, और तीन चार साल तो है, उसके बाद ही कुछ रहेगा, देखते उस टाइम पे कैसा रहता है। हाँ तो अभी 11:30 बजे तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करो। वो भाई दूसरा साइकिल में काम कर रहा है, उसके बाद शायद मेरा वाला काम स्टार्ट करेगा। भाई ये एरिया देखो पूरा चारों तरफ बिल्डिंग, तो हाँ देखते हैं, थोड़ा बहुत वेट करके ना। भाई सर्विसिंग करवा के हो गया, 11 बजे का टाइम दिया था बंदे ने 11:07 को मुझे साइकिल, मतलब 11:07 बजे मुझे दिया, बिलिंग करवा के निकलते 11:07 बज रहे हैं अभी। हो धूप का हालत देखो भाई, से घर 3-4 किलोमीटर जाते जाते हालत टाइट हो जाएगा पूरा, बट कोई ना आप बहुत अच्छे से सर्विस किया, ये रहा मेरा साइकिल इधर। तो हाँ उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा है यार, मैं बोल रहा था ना कि मुझे ऐसी जगह पे आने का मन नहीं करता है, काम था एक पैंट ले लिया और एक शूज भी ले लिया, यार देखते क्या करते, ले लिया। तो हाँ उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा, जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। भाई आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हो, तो प्लीज़ यार एक वो चीज़ एक देख लेना। हाँ अभी इतने गर्मी में साइकिल लेके आते, कल टाइम साइकिल से बेंगलोर का और एक एपिसोड शूट करने का तो प्लान है, देते हैं कल सुबह क्या 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 होता है, आज रात इवनिंग को मैडम जी से बात करते हैं। तो आपसे मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग पे, कुछ दूसरे का पे, कुछ दूसरे का जो तब तक के लिए।